हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ थप्पड़ मूवी के रिव्यू के बारे में। थप्पड़ 2020 की एक ऐसी मूवी है जिसके लिए काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई है। कुछ लोगों को ये मूवी पसंद भी है, लेकिन हाँ, काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्हें मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो ये मैंने हाल ही में इस मूवी को देख लिया है। मैं आपको बता दूँ, थप्पड़ मूवी बेस्ड है एक थप्पड़ पे। या दोस्तों, पूरी की पूरी स्टोरी जो है एक थप्पड़ पे बेस्ड है। तापसी पन्नू आपको इसमें दिखाई देगी अमृता संधू के किरदार में, और विक्रम उनके हस्बैंड है। अब ये इन दोनों की स्टोरी है, लेकिन इन्हीं के साथ साथ जो कि अमृता की मेड है उनके साथ क्या होता है, अमृता की जो वकील है उनके साथ क्या होता है, और उनकी जो पड़ोसी है वो भी इसमें हमें दिखाई गई है। मैं आपको बता दूं कि तापसी पन्नू और विक्रम दोनों एक हैप्पी कपल होते हैं। तापसी पन्नू हाउसवाइफ बनी है, और वो भी उन्हीं हाउसवाइफ की तरह है जो कि हर रोज़ सुबह उठती है, अपने पति से पहले चाय बनाती है, उनके लिए खाना बनाती है, उन्हें ऑफिस भेजती है, और प्रे करती है या कोशिश करती है कि उनका पूरा दिन जो है अच्छा जाए। इसी में आपको मैं बता दूं कि जो उनके हस्बैंड होते हैं यानी कि विक्रम, वो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिनमें काफ़ी पॉलिटिक्स चलती है। उन्हें कुछ दिनों में जो है लंदन जाना होता है, यानी बॉस उन्हें बनना है और उन्हें लंदन जाना है, वहाँ पर कंपनी का एक मेन मेंबर बनना है। उसके लिए उनको जो है एक असाइनमेंट दी जाती है, और असाइनमेंट बनाने में वो काफ़ी बिजी रहते हैं। जिस तरह से वो असाइनमेंट बनाते हैं, वो अपने नेक्स्ट डे ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर उनके असाइनमेंट जो है बहुत अच्छी जाती है, और उनका श्योर हो जाता है कि वो जो है लंदन जाने वाले हैं। और उनको अगले ही दिन लंदन से जो है ऑफ़र भी आ जाता है, यस आप लंदन जा रहे हो और हमने जो है आपका जो है असाइनमेंट इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो जो घर में है पार्टी रख देते हैं, और पार्टी रखते हैं तो सभी को इनवाइट करते हैं, ऑफिस से भी, अपने रिश्तेदारों को भी, सबको इनवाइट करते हैं। जब पार्टी चलती है तो वहीं पे पार्टी के बीच ही एक कॉल आती है दोबारा, तो उसमें बताया जाता है कि देखिए आपको लंदन भेज दिया जाएगा, लेकिन आप ऑफिसर नहीं रहेंगे वहाँ पे, आपको जो किसी के अंडर काम करना पड़ेगा। इसी को सुनकर, बात को सुनकर जो वो बहुत परेशान हो जाता है विक्रम, और उसके दिमाग में बड़ी टेंशन आ जाती है, और उसे कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये सारा जो काम हुआ ये ऑफिस की पॉलिटिक्स जो चलती है उसकी वजह से हुआ है। तो वहाँ पे जितने भी उसके पार्टी में पॉलिटिक्स वाले लोग थे, उनके ऑफिस वाले लोग थे, वो उनसे झगड़ने लगता है। एक मेन मेंबर होता है ऑफिस का ही, उससे झगड़ने लगता है। अब गुस्से में वो इतना गुस्से में आ जाता है कि काफ़ी लोग जो होते हैं उसे रोकने के लिए आते हैं। अब रोकने के लिए आते हैं, पहले उनका एक दोस्त रोकने के लिए आता है, फिर जब दोस्त से भी बात नहीं बनती वो दोस्त को भी गुस्सा करके धक्का मार के हटा देता है, फिर उनका भाई उसे रोकने के लिए आता है, भाई की भी नहीं सुनता, और फिर उसकी पत्नी यानी कि अमृता आती है उसे रोकने के लिए। लेकिन जब अमृता आती है वो एक बार उसे खींचती है, दूसरी बार खींचती है, तीसरी बार जो है फर्स्ट स्टेशन पे आके वो थप्पड़ मार देता है। यहाँ तक पहले 30 मिनट की ये स्टोरी है, और इस स्टोरी को समझकर जानकर आप पता चला सकते हैं कि स्टोरी को कितना खींचा गया है। तो यहाँ पर 30 मिनट हो जाते हैं ये जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई यहाँ तक। अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब थप्पड़ मारता है तो भरी पूरी पार्टी में सभी लोग वहाँ पे होते हैं, उन सभी के सामने जो है वो थप्पड़ मार देता है। अब यहाँ तक तो थप्पड़ मारने तक तो ये स्टोरी रहती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा और बिगड़ जाती है। अमृता जो है वो कहती है कि अब मुझे तुमसे प्यार नहीं रहा, हालांकि मनाने के लिए वो जाता है, नहीं मानती, अभी तक सॉरी नहीं कहा है, और वहाँ पर वो दोबारा जाती है, और वहाँ पर एक प्रॉपर डायलॉग आता है, वो काफ़ी जो डायलॉग है वो आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे विक्रम कहता है कि मैंने इस ऑफिस को अपनी जो है पूरा टाइम दिया, पूरा समय दिया, और इस ऑफिस में यानी कि यहाँ पे मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, तो मुझे वहाँ रहने का कोई भी मन नहीं कर रहा है। ये डायलॉग जो आता है ये उस समय में बिल्कुल फिट बैठता है अमृता की सिचुएशन से, क्योंकि अमृता की सिचुएशन भी सिर्फ वही होती है कि पूरे की पूरी डेडिकेशन वो लगा देती है अपने हस्बैंड के लिए, उसको उठाना, सुबह खाना देना, ऑफिस भेजना, लेकिन वो सब करने के बावजूद भी फर्स्ट स्टेशन में आकर जब उसे थप्पड़ बजता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। ज़्यादातर दुख उसे ये नहीं होता कि मुझे इतने लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया, उसे मेन दुख ये होता है कि मुझे थप्पड़ मारा तो कैसे मारा। अब यहाँ से और भी स्टोरी आगे पहुँचती है, और ये स्टोरी जो है कानूनी कार्रवाई तक बन जाती है। अब इसके बाद अमृता डिसाइड करती है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ, अपने फादर के घर जा रही हूँ। वो वहाँ पे जाती है, काफ़ी दिन रहती है, लेकिन उसका पति जो है वो मनाने के लिए आता है कि चलिए घर चलिए, चल पड़ अब इतना कुछ नहीं हुआ, घर चलो बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे। लेकिन अमृता इस समय बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो कहती कि अब मुझे तुमसे प्यार ही नहीं रहा है, यानी कि अब जितना भी प्यार था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है।
अब जब इतनी स्टोरी आगे पहुंच जाती है तो यहाँ पे कानूनी कार्रवाई जो बड़ी तेज़ हो जाती है, यहाँ पे डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। डिवोर्स में भी काफ़ी पचड़े होते हैं। एक तरफ जहाँ पे अमृता कुछ भी नहीं चाहिए होती, प्रॉपर्टी नहीं उसे चाहिए, अपने पति की पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वकील जो है वो कहीं ना कहीं उसे कहती है कि नहीं, ये तुम्हारा हक है, तुमने इतना काम किया है, उसे खाना दिया है, सुबह उठाया है, ऑफिस भेजा है, इतना कुछ तुमने किया, तुम्हें तो हाफ 50% प्रॉपर्टी क्या उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ये सब कुछ बात यहाँ तक। अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे तीन आपको और कैरेक्टर मैंने पहले बताए थे। एक है मेड का, अमृता की मेड का। अमृता की मेड जो होती है उसका भी हाल इसी तरह से है, लेकिन इतनी मारपीट नहीं, उसे बहुत ज़्यादा मारपीट उसका पति करता है, हर रोज़ उसे मारता है, पीटता है शराब पी के। अगर मैं वकील की बात करूँ जिसमें वकील बनी है, उनका हस्बैंड भी हरास करता है, वो टोंट मारता है बार बार। वो एक बड़ा अमीर आदमी होता है और न्यूज़ चैनल पे काम करता है, और बार बार कहता रहता है कि जितने भी तुम्हें ये काम मिलते हैं वो मेरी वजह से मिलते हैं, जितने भी तुम केस लड़ती हो वो मेरी वजह से लड़ती हो, तो इस तरह से टोंट मारता रहता है। अब फिल्म में दिखाने की ये कोशिश की गई है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मारें तो वही गुनाह नहीं है, अगर आप टोंट भी करें, यानी कि जिस तरह से बार बार कहना कि ये मेरी वजह से है, और बार बार बनना कि तुम्हें तुम्हारी जॉब तो मेरी वजह से चली है, ये कहना भी गलत है। ये मूवी आपको इसमें बताती है। ये इतना सब कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी आपको बताना क्या चाह रही है। अब मेन बात इसमें जो आती है वो थोड़ी हटके हैं जो कि आपको नोटिस करनी पड़ेगी। अगर आप इस मूवी को सिर्फ खाली माइंड से देखने के लिए जाते हो, आपको दिमाग में कुछ नहीं सोचते, सिर्फ इस मूवी को आपको देखने जाना है, तो मैं कहूँगा कि आप देखें, लेकिन इतना इंस्पायर्ड मत हो जिस तरह से कबीर सिंह मूवी थी, सबने देखी थी उसका कैरेक्टर किस तरह से था। तो आप देखें, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपके आसपास भी कुछ हो रहा है, क्योंकि आपके और आपके कपल, आप कपल के साथ आपकी कोई और केमिस्ट्री होगी। इसमें जो मूवी में दिखाई गई है शायद अरेंज मैरिज होती है, उसके बाद ये सब कुछ होता है। अब इसमें आपको कुछ बातें जो नोट करने की है, देखिए जहाँ तक मैंने आपको स्टोरी बताई वहाँ तक तो आपको यही लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो बात है एक थप्पड़ पे इतना कुछ कर देना जबकि हस्बैंड कह रहा है कि चलिए चलिए अब बैठ के बात करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं, मैं आपको बता दूँ कि पूरी की पूरी मूवी में थप्पड़ मारने के बाद भी अभी तक भी हस्बैंड ने अपनी पत्नी को ये तक नहीं कहा होता कि देखिए मुझसे जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरह से कोई एश्योर नहीं किया जाता है। जबकि अगर आप कोई गलती करते हो सॉरी कहें, सबसे पहले सॉरी कहें और बात ये करें कि नेक्स्ट टाइम जो भी मैंने अभी किया वो नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो उसके घर वाले होते हैं वो भी रियलाइज़ नहीं करते, सभी घर वाले ये कहते हैं कि यार अगर कुछ हो गया है तो आप रह लो, रफा दफा करो, है ना, कुछ इस तरह से जो बात घुमाने की कोशिश करते हैं। जो अमृता के दिमाग में जो बात बैठी होती है वो ये होती है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा तो मारा क्यों। एक जगह में पहले वो कहती है कि मुझे प्यार ही नहीं रहा है, और दूसरी जगह में वो कहती है कि मुझे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस फ़र्क ये है कि इसने मुझे मारा और वो मुझे नहीं मार सकता, बस इतना ही है। यहाँ पे मारने के ऊपर सारी बात है कि मारा तो मारा कैसे, सिचुएशन का कुछ लेना देना नहीं कि उस समय सिचुएशन क्या थी, क्यों उसने मारा, क्या वो उसे रोज़ पीटता था, नहीं, क्या वो गुस्से में आके उसने जानबूझ के उसे मारा, नहीं, गुस्से में था वो लेकिन अनजाने में उससे वो लगा, लेकिन यहाँ तक हमें स्टोरी में यही पता चलता है। लेकिन अगर आप मूवी लास्ट तक देखेंगे तो इसमें हस्बैंड यानी कि अमृता का जो हस्बैंड है विक्रम, वो हमें ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि पता नहीं मुझे क्यों लगा कि थप्पड़ मारना हक है। जी दोस्तों, यानी कि ये जब स्टेटमेंट आती है तो आप कहीं ना कहीं इस प्लॉट में थोड़ा दम आ जाता है, क्योंकि अभी तक तो हमें लग रहा था कि ये जो थप्पड़ मारा इसने फर्स्ट स्टेशन पे आके मारा है, क्योंकि जिस समय वो उससे लड़ाई कर रहा था तो एक उसका दोस्त आता है, वो उसे हटाने की कोशिश करता है, उसको वो धमका के साइड कर देता है, फिर उसका भाई आता है उसे भी वो इसी तरह से करता है, लेकिन उसे भी वो धमका के साइड कर देता है, लेकिन जब उसकी पत्नी आती है वो एक बार खींच दिया, दो बार खींच दिया, तीसरी बार खींच दिया तो थप्पड़ मारा। यानी कि अगर वहाँ पे हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पे आके वो थप्पड़ मारा, लेकिन लास्ट में आकर जो वो लाइन कहते हैं कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि थप्पड़ मारना हक है, यानी कि उस समय जो उसने थप्पड़ मारा था वो ऐसे नहीं मारा, और उसने थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उसे लगा कि ओके है, मैं एक आधा थप्पड़ मार दूंगा तो कुछ नहीं होगा। ये इस समय सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यस प्लॉट में थोड़ा दम है।
इस बार मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं, इस बार मैं तुम्हें कमा के कमाऊंगा, मतलब रिस्पेक्ट तुम्हारी अर्न करूंगा, तभी तुम्हें तुम्हारे साथ जो है आगे शादी करूंगा। तो ये तो थी ये पूरी मूवी। वैसे आपको क्या कहना, मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूँ, जो इसमें एक और करेक्टर इसमें दिया गया है, जो कि दिया मिर्ज़ा इसमें निभा रही है, वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन बनी है, मतलब क्रिश्चियन फैमिली से आती है। बच्चा होता है, हस्बैंड मर गया होता है सॉरी, और एक बच्चा होता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही होती है, और उसकी बच्ची जो है वो उसके लिए हस्बैंड ढूंढ रहा होता है। और वो बच्ची जो है उस समय 13 साल की है, छोटी है काफ़ी। ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। यहाँ वहाँ पर वो ऐड ये भी कर सकते थे कि सिर्फ ये काम ऐसा नहीं कि मर्द ही औरतों के साथ करते, कि गुस्से में आकर कभी थप्पड़ मार देते हैं। कई महिलाएं भी ऐसा करती है कि गुस्से में आके कभी वो बेलन मार देती है, कभी वो झाड़ू मार देती है, कभी कुछ मार देती है। वो महिलाएं भी कभी कभी जो गुस्से में आके करती है। तो आप ये भी बता सकते थे, दोनों साइड दोनों पॉइंट रख सकते थे, दोनों साइड के पॉइंट रख सकते थे, तो मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा पसंद आता। तो मुझसे आप पूछें तो प्लॉट जो है इसका वो एवरेज है। इसे और इंटरेस्टिंगली दिखाया जा सकता था, और स्ट्रॉन्ग वे से दिखाया जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, एक्टिंग फर्स्ट हाफ में एवरेज थी, सेकंड हाफ में एक्टिंग अच्छी हो जाती, इम्प्रूव हो जाती, लेकिन पहले हाफ में बिल्कुल एवरेज थी। अगर मैं कहूँ स्टार्स, तो मुझे लगता है 5 में से 2.5 या 3 स्टार इस मूवी को मिलने चाहिए। और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने आपको भी लगता है कि थप्पड़ मारना ओके है, किसी को टोंट मारना ओके है, तो ज़रूर आप इस मूवी को देखें। आपको कहीं ना कहीं फ़र्क पता चलेगा कि जब आप किसी को मारते हो, किसी को टोंट मारते हो, तो दूसरे के दिमाग में क्या घूमता रहता है, दूसरे में क्या बीतती है। इसी तरह से वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।